हेलो व्हाट्सअप गाइस, आई एम अक्षय एंड यू आर वाचिंग दिस व्लॉग लाइव। तो गाइस सेम एज आज हमारा लास्ट टूर है। आज हम जो द्वारका में आसपास जगह है जैसे कि भटकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, गोमती घाट है और बीचेस है, द्वारका बीच है और फिर एक और बीच है जहाँ पर बाइक राइडिंग, कैमल राइडिंग, ये सब एडवेंचर वाली चीजें होती है। तो गाइस आज ही मैं जाऊँगा घूमने और फिर वहाँ की चीजों को एक्सप्लोर करूंगा और जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना। ठीक है गाइस, अब मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। बाय। सो ये हमारी बस है जो हमें ले जाएगी अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। इसी बस में अब हम ट्रैवल करेंगे आज पूरा शाम तक, जो भी पॉइंट्स हैं वहाँ घूमेंगे, चीज़ों का एक्सप्लोर करेंगे। सो फ्रेंड्स ये है व्यू यहाँ का रुक्मणी मंदिर का, देख सकते हो अब आसपास नदी है और ये इसका आपको मैं टेंपल दिखाता हूँ। ये आप टेंपल देखो फ्रेंड्स, ये रुक्मणी माता का बना हुआ टेंपल है, ये देख सकते हो आप बैक साइड से। ये पूरा एरिया है आसपास का और ये बोट्स एंड रिवर एंड बेसिकली क्या है इसकी हिस्ट्री गाइस, ये है कि जो ऋषि दुर्वासा थे उन्होंने कृष्ण जी और रुक्मणी जी को दो श्राप दिए थे और वो दो श्राप ये थे कि पहला श्राप ये था कि उन्हें मतलब उनकी शादी के बाद उन्हें एक दूसरे से 12 साल तक अलग रहना पड़ेगा और गाइस ऐसा ही हुआ। देख सकते हो आप जो कृष्ण जी का द्वारकाधीश है वो गांव के अंदर है और रुक्मणी जी का जो ये मंदिर है वो बाहर है। और जो गाइस दो दूसरा श्राप था वो ये था कि जैसे कृष्ण जी ने अपने अंगूठे से यहाँ पर पानी निकाल दिया था, रुक्मणी जी को प्यास लगी थी तो उन्हें पानी पिलाने के लिए उन्होंने जमीन पर गड्ढा करा था जहाँ से गंगा जी उत्पन्न हुए थे और उन्होंने अपनी प्यास बुझाई थी। तो फ्रेंड्स ऐसा ही है, आपको मैं थोड़ा बाहर से भी दिखाई देता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स इसका व्यू कुछ ऐसा ही है, देख सकते हो आप। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। सो अब आपको मैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे मिलता हूँ। और दूसरा श्राप यही था गाइस, जो पानी उन्हें पहले अपने गुरुजी को पूछना चाहिए था बट उन्होंने खुद ही पी लिया था पानी। तो ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दिया था कि यहाँ का जो जल है वो पूरी तरह खारा हो जाएगा और गाइस आज भी यही बात है, यहाँ का पानी पूरी तरीके से खारा है। सो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए। बेसिकली से टी सीरीज वालों ने बनाया हुआ है, 3 करोड़ रुपए डोनेट करे उन्होंने यहाँ पे। सो इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है। सो फ्रेंड्स ये है नागेश्वर महादेव का मंदिर। अंदर बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी इसकी वजह से मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाया। ये देख सकते हो लोग अलग अलग स्टेट से अपनी कैब बुक करके या अपनी पर्सनल कार से यहाँ दूर दूर तक आते दर्शन करने के लिए। बेसिकली ये द्वारकाधीश मंदिर अरब सागर के पास में बसा हुआ है गाइस। ये व्यू है कुछ यहाँ का। यहाँ से मेन एंट्री है गोपी तालाब में जाने के लिए। ऐसा कहा जाता था कृष्ण जी की 16,000 पत्नियां थी और ये वही 16,000 पत्नियां थी जिन्होंने जल समाधि ले ली थी और उनका ये यहाँ पे तालाब बना हुआ है। क्योंकि यहाँ स्नान करने आई थी पर उनके कपड़े राक्षसों ने छीन लिए थे तो उस हिसाब से उन्होंने वहाँ जल समाधि ले ली थी। ये देख सकते हो आप यहाँ पे दुकानें हैं। ये गोपी कृष्ण मंदिर। ये आसपास की दुकानें। ये गोपी तालाब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये है गोपी तालाब जिसके बारे में हिस्ट्री मैंने आपको बताई। यहाँ तो सिर्फ देखने के लिए एक तालाब ही है,
ये देख सकते हो यहाँ का पानी अभी तो गंदा हुआ है, ये इतना बड़ा है। थोड़ा हम भी दर्शन कर लेते हैं। मंदिर को थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको। ये इसका एंट्री गेट है, यहाँ से आंटी जी प्रसाद दे रही है। और गाइस ये है पेड़ जहाँ पर गोपियों ने अपने कपड़े रखे हुए थे और फिर असुर ने लेकर चले गए, फिर उन्हें दुर्भाग्यपुरुष यहाँ पे जल समाधि लेनी पड़ी। ये ओखा विलेज आसपास का एरिया देख सकते हो आप। अरे नाव भैया, यहाँ से हमें नाव पकड़ के आगे जाना होगा। और ये उधर फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे नमक बनता है। ये ऑटो वगैरह है जो आसपास जाते हैं, लोग अपनी पर्सनल कार से भी यहाँ विजिट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है फॉर सिक्योरिटी। ये देखो चावल बेच रहे जो कि मछलियों को खिलाया जाना है जब हम बोट में बैठेंगे, इसलिए मैंने लिया तो नहीं है। ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स, आप आसपास का एरिया देख सकते हो। ये हमारी गौ माता, ये बड़ी बड़ी बोट्स है, हमें इसी बोट्स में बैठ के पेट द्वार का पहुंचना है जो कि आधा घंटे का टाइम लगेगा। ये व्यू एंजॉय करो फ्रेंड्स। ये उधर जो पीछे दूर देख रहे हो आप, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये सारा डॉक है, यहाँ पे शिप्स वगैरह रुकती है। ये आसपास का व्यूज गाइस इतना बढ़िया लग रहा है गाइस। एक्चुअली मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम में गाइस मैं एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था पहले से और देखने के बाद तो गाइस आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस। ये देखिए फ्रेंड्स, बस इसके बाद तो समझ लो कुछ है ही नहीं, बस चारों ओर से पानी पानी है। योखा विलेज है जहाँ से आप बेट द्वारका के लिए जा सकते हो नाव पकड़ के। ये एरिया ये देखिए लोग बेट द्वारका दर्शन करने के लिए नाव में बैठकर जा रहे हैं और हमें भी कुछ ऐसे ही जाना है। ये देखिए हमारी नाव आ चुकी है और हमें इसी में बैठ के बेट द्वारका दर्शन के लिए जाना है। ये देखो जय द्वारकाधीश।
घंटे का टाइम लगा हमें बोट से आने में, और बोट से आते वक्त की जो भी पिक्चर्स है और वीडियोस है वो मैं आपको सारी दिखाऊंगा। तो अब हमें आधे घंटे का टाइम मिला और आधे घंटे में हमें दर्शन करके फिर वापस आना है।